हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लुकिंग फॉर रियल लाइफ में। आज हम लोग चलते हैं बेतिया से पारस पकड़ी के बीच। बेतिया से पारस पकड़ी के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यह दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है। और इस बीच जितने भी गांव हैं सभी गांव को एक एक करके हम आप लोगों को सामने जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो शायद आपको अच्छा लगे। फिर अब चलते हैं इसी बीच सभी गांव से गुजरते हुए पारस पकड़ी चौक, बेतिया से पारस पकड़ी चौक। लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं सिंह छापर गांव में और यह गांव बेतिया से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। और यहां पे एक पुल मिलेगा जस्ट थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद। और यह पुल जो है अजीब नाम से जानते हैं, जैसे अंधरी चंद्री पुल, जो सुनने में बहुत ही मजाकिया लगता है। यही पुल है जो आप दाएं बाएं देख रहे हैं, जिसको अंधरी चंद्री पुल के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लालगढ़ के पास और यह एक लालगढ़ गांव है। यहां पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज और एक आस्था के प्रतीक के रूप में यहां पे एक पूजा और मेला लगता है, जो आप लोग आके देख सकते हैं, क्योंकि यहां के लोग बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस मेले का आयोजन कराते हैं। और यह जगह जो है इसे लालगढ़ के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग चलते हैं फिर आगे। यहीं पे एक पेट्रोल पंप है। अगर आप बेतिया और पारस पकड़ी की दूरी का सफ़र कर रहे हैं तो आप जो दाएं साइड में देख रहे हैं पेट्रोल पंप, यहां से आप पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि बेतिया और पारस पकड़ी के बीच मात्र यही एक पेट्रोल पंप है। आप जो पीला और वाइट कलर का मकान देख रहे हैं, ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की है, जिसका भी नामांकन नहीं हुआ है कि इसमें क्या चलेगा। आगे जब ये स्कूल हो या कोई चीज़ हो तो फिर हम इसके बारे में अलग से वीडियो आप लोगों को बनाकर इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं महाना चौक के पास और ये है महाना चौक। और महाना चौक पे आने पे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, अभी फ़िलहाल यहाँ पे बैंक है, जो ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। अगर आपको यहाँ पे खाता वगैरह कुछ खोलना हो तो आप ग्रामीण बैंक में जाकर खोल सकते हैं। अब हम लोग माना चौक से आगे बढ़ रहे हैं गांव के बीच होते हुए, और बेतिया से माना के बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है,
जो हम लोग पूरा कर चुके हैं। फिर आगे का सफ़र आप लोगों को वीडियो के द्वारा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं माना गांव में। यहां पे एक हाई स्कूल है जो दाहिने साइड में दिख रहा है, जो काफ़ी फेमस हो चुका है और यहां पे हाई स्कूल के लेवल का पढ़ाई होती है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गर्दान चौक पे। यहाँ पे साप्ताहिक रूप में बाज़ार लगाया जाता है, जो काफ़ी रोचक होता है और यहाँ के लोकल लोगों के लिए यह चौक साप्ताहिक बाज़ार के रूप में काफ़ी सुविधाजनक होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ने के बाद हमें हम लोगों को मिलेगा मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव मिर्ज़ापुर है जो आप लोग देख रहे हैं, और हम लोग बेतिया से मिर्ज़ापुर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और हम आप लोग मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही पारस पकड़ी चौक है। और फिर देखते हैं फिर आगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अकड़ाहा पुल के पास, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि एक तरफ मुसलमान भाइयों के लिए ईदगाह जो आप लोगों को बाएं साइड में दिख रहा है, और दूसरी साइड में हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट जो आप लोगों को दाएं साइड में दिख रहा है, जो दोनों धर्मों के आस्था का प्रतीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही करीब ही आ चुके हैं और यहाँ से पारस पकड़ी की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है, जो जल्द ही कवर कर पाएंगे।
इसी बीच हम लोग पहुंच रहे हैं पारस पपरी चौक, और इस चौक से जो सीधे रास्ते जाता है वो चला जाता है सरिसुआ बाज़ार, और दाहिने साइड में मझौलिया, और बाएं साइड में लोहियरिया चौक। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पारस पपरी चौक, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बाज़ार लगता है जो यहाँ के लोगों के लिए एक साप्ताहिक बाज़ार के रूप में, सुविधाजनक के रूप में सभी के लिए ज़रूरी होता है। और हम अपने मझौलिया की तरफ मुड़ गए हैं, और हम लोगों का सफ़र यहाँ पे आने के बाद पूरी हो गई, और अभी हम लोग साइड में अपनी गाड़ी को रखते हैं। और इससे ज़्यादा हम लोग जो सफ़र कर चुके हैं